ओके okay. अब ठीक है हाँ अब मेरी आवाज आ रही होगी आपको अब मेरी आवाज आ रही होगी बिल्कुल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अब्रबंध वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू चले तो करंट अफेयर्स के से, इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और हम सब जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स के सेशन में जहां अगले कुछ ही मिनटों में जहां अगले कुछ ही मिनटों में नेशनल इंटरनेशनल और बिहार के उन तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने वाले हैं जो अपकमिंग एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है तो आ, जल्दी से सेशन की शुरुआत करते हैं और फटा फटाफट से तमाम सवालों को यहाँ से देखते चलते हैं हाँ आज है ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जून और ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जून जब मैं कह रहा हूं तो आप सबको पता होगा कि आज है योगा डे ना अंतर्राष्ट्रीय योगा डे और जो आज सबसे रोचक दृश्य आपको दिखेगा ऐसे लोग दिखेंगे जो साल में सिर्फ एक बार योगा करते हैं और योगा कम और फोटो सेशन ज्यादा करते हैं बट कोई नहीं मैंने आप सबसे हमारा एक ही कहना था कि आप सब हमेशा प्रयास करिए कि पूरे दिन में थर्टी मिनट या वन आवर्स जो होते हैं वो अपने लिए निकालना है आपको योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज जो भी आपको लगे जरूर से जरूर करिए उसमें आपका ही वेलबिंग होगा और बिल्कुल तो आज योगा डे है भाई तो योगा डे की शुभकामनाएं से आप इसकी शुरुआत कर सकते हो एंड आते हम लोग आज के अपने सेशन में क्लास की शुरुआत होगी क्विक क्विक के साथ और में कल के उन तमाम सवालों को हम सब देखने वाले हैं जो आपने ऑलरेडी बना रखा है तो जल्दी से लौटते हैं क्विक रिविजन में और देखते हैं कल के तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को सभी लोग रेडी हो चलिए तो कल के सवालों को एक बार जल्दी जल्दी से हम लोग यहां से उड़ा लेते हैं रिवीजन में कल के तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को ये पहला सवाल आपके सामने जल्दी से सवालों को बनाने की कोशिश करेंगे किस देश ने इंटर कप 2023 जीत लिया है पहला सवाल आपके सामने कुछ पाने के लिए आज तो रख क्या लिख रहे हो कुछ पाने की आज तो रख कुछ तो अरमान रख जो खास हर कोशिश में कोई से कॉपी पेस्ट कर दिया लड़का बहुत बेहतर इस कप को जीत लिया है भारत ने और इंडिया ने किसे पराजित कर दिया था थाबनॉन को इंडिया ने पराजित कर दिया था वेरी गुड अगला सवाल है गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के तौर पर किसे चुना गया है गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है तो साथियों गीता प्रेस को चुना गया है ऑप्शन नंबर ए और अगला सवाल फिर से होगा किस जोड़ी ने बैडमिंटन में इंडोनेशिया ओपन 2023 पुरुष युगल का किताब अपने नाम कर लिया है आपने आ, इमेज के माध्यम से आप इसे देख सकते हो कि किसने इसे अपने नाम कर लिया है जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बहुत बेहतर वेरी गुड सात्विक साईराज रेड्डी रंकी रेड्डी और चिराग सेट्टी हाँ ऑप्शन नंबर इज राइट आगे बढ़ेंगे फिर से सवाल होगा 2023 में योग दिवस की थीम क्या है जो आज योग दिवस मनाया जा रहा है इसका थीम क्या रखा गया है बहुत बेहतर वेरी गुड इसका थीम रखा गया है योगा फॉर वसुदे कुटुंबकम ऑप्शन नंबर डी इज राइट अगला सवाल है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में एक मिलियन वर्ष पहले भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक आर्क की खोज की है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क की खोज कहां की गई है ओडिशा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु या महाराष्ट्र सही उत्तर की पहचान करिए जल्दी से कमेंट करेंगे हाँ बहुत बेहतर एंड राइट आंसर इज ओडिशा में सुंदरगढ़ जिले के अंदर एस्टोरेंट इसकी खोज हुई है आगे बढ़ेंगे मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम जिसका नाम है प्रोजेक्ट कार्ट्रू। इसे विकसित किया गया है किस आई संस्था के द्वारा इसे किस आई संस्था के माध्यम से विकसित किया गया है जल्दी जल्दी इसे कमेंट करते चलेंगे ग्रेट हाँ, बहुत बेहतर इसे विकसित करने का कार्य किया है? आई आई टी मद्रास के द्वारा एंड ऑप्शन नंबर बीज राइट अगला प्रश्न है वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर किस राज्य में सर्वाधिक पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया है किस राज्य ने विंड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस किया है उसकी कैपेबिलिटी सबसे अधिक रही है और उसको सम्मानित भी किया गया है संबंधित राज्य कौन सा है चलिए राजस्थान इज ऑब्सोलूटली राइट आंसर राजस्थान ऑप्शन नंबर इज करेक्ट अगला सवाल फिर से होगा कि किस शहर में पहली बार अगला प्रश्न है Question, किस शहर में किस शहर में पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया गया है किस शहर में पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया गया है तो दुबई इज ऑब्सोलूटली राइट आंसर हाँ जैसे आईपीएल होता है उसी प्रकार से कबड्डी लीग का आयोजन हुआ है दुबई के अंदर एंड ऑप्शन नंबर ए इज ऑब्सलूटली करेक्ट आगे बढ़ेंगे फिर से सवाल होगा Uh, किसके द्वारा लिखित पुस्तक ए लाइफ वेल स्पेंड फॉर डिकेट्स इन इंडिया फॉरेन सर्विस का विमोचन किया गया है ऑफ बुक और पुस्तक के ऑथर का नाम है सतीश चंद्रा जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख पा रहे होंगे पहचान करिए बहुत बेहतर वेरी गुड आगे बढ़ेंगे फिर से सवाल है कि किस देश ने सहमति से संबंध बनाने की उम्र को तेरह वर्ष से बढ़ाकर सोलह वर्ष कर दिया है संबंधित देश का नाम क्या है लास्ट 1907 में यहां पे बदलाव हुए थे कानून में और फिर से पुनः बदलाव किया गया है संबंधित देश का नाम क्या है जहां पे बदलाव हुए हैं हो बहुत बेहतर वेरी गुड और उस देश का नाम है वन एंड वनली उस देश का नाम है स्टैंड जापान ऑप्शन नंबर डीज राइट आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट है कि आई एन एस सतपुड़ा ने किस देश के बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में भारत के प्रतिनिधित्व किए हैं भारत का प्रतिनिधित्व कोमोडो में किया गया है पूछा जा रहा है कि अभ्यास कहां पे हो रहा है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्वागत तो है सभी का चलो जल्दी जल्दी से सवालों को बनाते चलिए दोस्तें तो इसका आयोजन हो रहा है इंडोनेशिया जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है हम लोगों हाल ही में नए स्वास्थ्य सचिव के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार में सचिव के पद पर किसकी नियुक्ति की गई है जल्दी जल्दी से प्रश्नों को देखते चलेंगे चलिए बहुत अच्छा

निम्नलिखित में से किसे देश के सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मान्यता दी गई है भारत में सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मान्यता किसे दिया गया है जिस पे हम सबको भरोसा है इवन उस मीडिया को खुद पे भरोसा है <laughs> नहीं तो आमतौर पे इंडिया में मीडिया का, का काम करने के तरीके आपने देखे होंगे हर मीडिया पे एक कोई ना कोई एलिगेशन होता है कि वो किस प्रकार से काम कर रहे होते हैं तो सही जानकारी होगा स्टूडेंट दूरदर्शन दूरदर्शन एंड ऑप्शन इज राइट अगला प्रश्न हमारे सामने किस राज्य सरकार ने हाल ही में जेलों को सुधार गृह के रूप में स्थापित किया है जितने भी जेल होंगे उन सबको सुधार गृह के रूप में स्थापित किया जाएगा यह कार्य किसके द्वारा किया गया है जल्दी से कमेंट करके बताएंगे चलिए बहुत अच्छा वेरी गुड अच्छा है और सही जानकारी हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्क्रीन पे आप देख भी पा रहे होंगे नेक्स्ट है अगला सवाल है कि गैबोन की पहली कृषि एसई परियोजना को नई दिल्ली में हरी झंडी किसने दिखा दिया है एसई जेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मान्यता किसने प्रदान किया है तो स्क्रीन पे आपने मंत्री साहब को देख रहे होंगे धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने हरी झंडी दिखाया ऑप्शन नंबर इज राइट आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में वारकारी समुदाय द्वारा पालकी उत्सव मनाया जाता है वारकारी समुदाय द्वारा कहां पर पालकी उत्सव का आयोजन होता है जल्दी जल्दी से कमेंट करते चलेंगे बहुत बेहतर इसका आयोजन होता है महाराष्ट्र के अंदर जो कि ऑप्शन नंबर डी में है हाँ वारकारी समुदाय की संख्या यहीं पर देखे नेक्स्ट है कि हाल ही में स्पेयर बैंक ने भा, भारतीय रुपये खाते शुरू किए हैं आपसे सवाल है कि सर बैंक कहाँ का बैंक है सर बैंक किस देश का बैंक है जिसने इसकी शुरुआत करी है तो दोस्तों रशिया का बैंक है और भारतीय रुपये में बैंक बे, अकाउंट ओपन करने की शुरुआत हुई रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के संचार प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए किस कंपनी के साथ 500 करोड़ रुपए का एक अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट में हस्ताक्षर किए हैं भारतीय सेना ने अपनी संचार को टेलीकोम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौते किए हैं बहुत बेहतर आईकॉम टेली लिमिटेड के साथ जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा आपको आगे फिर से प्रश्न है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है नाहिदा खान ने प्रश्न है कि नाहिदा खान का संबंध किस देश से है नाहिदा खान का संबंध किस देश से है जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बहुत अच्छा वेरी गुड ग्रेट हा तो आ... पाकिस्तान इज ऑल्सो लूटली करेक्ट आंसर चलिए अब हम लोगों ने कर लिया है क्विक और अब वापस लौटेंगे पे। पे बदलाव आए हैं और जो नई जानकारी आपके लिए हमारे पास उपलब्ध है अन अकेडमी एक शानदार ऑफर आया है और इस ऑफर का आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हो कि अनकेडमी पे अगर 12 महीने का कोर्स परचेज करते हैं आप तो आपने सिक्स मंथ्स सब्सक्रिप्शन uh, फ्री मिलेगा और अगर 24 महीने का कोर्स परचेज करते तो भी आपको सिक्स मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा ये ऑफर अभी अन पे वैलिड है आप सभी जो अन प्लस से नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हो और जाहिर सी बात है छह महीने का कोर्स अगर फ्री है तो आप समझ लो कि आ, आप अगर बारह महीने का कोर्स ले रहे हो तो आपको अठारह महीने का डेढ़ साल का सब्सक्रिप्शन हो रहा है एटलीस्ट एक साल का सब्सक्रिप्शन इनफ है आपके प्रोविंस मैं तैयारी के लिए और अन पे बैचेज की कोई कमी नहीं कॉन्स्टेबल एग्जाम के लिए नाइन्टी डेज का क्रैश कोर्स आरम बीपीएससी पीटी पी, मेंस के लिए इस तरह से बैचेज की कोई कमी नहीं शिक्षक बहाली के लिए जितने बैचेज तो प्लस पे होने के बेनिफिट यही होंगे कि इन सारे बैचेज में आपको एक्सेस मिल जाएगा और आप शानदार तैयारी कर सकते हैं घर बैठे हाँ तो ये है नए अपडेट्स एन अकेडमी पे और अब वापस हम लोग आ रहे हैं अपने सेशन में ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जून हा सेशन की शुरुआत हर दिन की तरह स्पेंड होगा थाउट ऑफ द डे के साथ और आज का जो शुभ विचार है थाउट है वो आपके सामने स्क्रीन पे कि जिंदगी तुम्हें वो नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए जिंदगी तुम्हें वो देगी जिसके काबिल तुम हो जी साथियों हम लोग कई बार अपने जीवन में बहुत सारा हाथ पांव मारते हैं अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं कि बस यही चाहिए यही हासिल होना है और आप देखोगे कि वो चीजें कभी कभी नहीं मिलती है और हम बड़े चिंतित हो जाते हैं यकीन मानिए आप जिस सुपर पावर को मानते होंगे हाँ उसको यकीन मानो कि हम लोग कितनों भी सोच ले कि हमें यही मिलना चाहिए मिलना चाहिए कई बार मिल भी जाता है लेकिन आप हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि हमें जो चाहिए वो नहीं मिलेगा एटलीस्ट और जिंदगी हमें वही देती है जिसके हम काबिल होते हैं तो जो आप डिजर्व करते हो वो तो मिलना ही है उससे आपको कोई नहीं रोक सकता है तो कभी भी हिसाब किताब लगाने के चक्कर में ज्यादा नहीं रहना है कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है और हमें उसी एनालिसिस में अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी है यकीन मानिए कि आप अपने आप पे भरोसा रखें और पूरी ईमानदारी से काम करते चलिए आप जो डिजर्व करेंगे जिसके काबिल आप होंगे वो चीजें आप तक चल करके आएंगी है ना तो बिलीव प्रोसेस जो है उसको बहुत ही दुरुस्त रखिये मस्त रखिये देन जाहिर सी बात है कि हर वो चीज आपको हासिल हो जाएगा जिसके आप काबिल है तो पहले काबिल बनिए देन सारी चीज आप तक चल करके आएंगी तो इसी थाउट के साथ हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे और हर दिन की तरह सेशन में ट्वेंटी क्वेश्चन होंगे बिहार के लिए भी न्यूज है बिहार का न्यूज जिसमें हम लोग एक एक महीने के न्यूज को कवर करेंगे पहला सवाल आपके सामने है किस भारतीय खिलाड़ी ने चीन में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है कौन सा पदक अपने नाम किया पदक अपने नाम किया उस प्लेयर का नाम क्या है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं उस प्लेयर को और इस प्लेयर को देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि इनका नाम क्या है और सभी बच्चे कॉमेंट करके जल्दी जल्दी से बताओगे इनका नाम क्या है ग्रेट हाँ तो इनका नाम है भवानी सिंह और इंडिया की तरफ से ओलंपिक में भी क्वालिफाई हुई थी तो भावानी करेक्ट आंसर से पदक जीत लिया है। और एक टूर्नामेंट तो बच्चे जानकारी टूर्नामेंट जो है लिखा ना ओलंपियन सी है मतलब ओलंपिक में भाग ले चुकी हैं ये इन्होंने विश्व चैंपियन मिसाकी एमूरा को पंद्रह दस से हरा करके इतिहास रच दिया और उन्नीस जून को इन्होंने यह कारनामा कर डाला है तो एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता है ये इंफॉर्मेशन ये जानकारी फिलहाल हम सबको यहाँ पे रखना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अगला सवाल कि बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त राष्ट्र एक्स खान क्वेस्ट 2023 कौन सा देश इसमें भाग ले रहा है जल्दी से पढ़ोगे इस प्रश्न को विच कंट्री आर पार्टिसिपेटिंग इन दी मल्टीनेशनल पीस कीपिंग ज्वाइंट एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्स खान क्वेस्ट इसमें कौन सा देश भाग ले रहा है ऑप्शन आपके सामने होगा कि भारत यूनाइटेड स्टेट मंगोलिया या ऑल ऑफ एबो कौन सा देश इसमें भाग ले रहा है आपके कमेंट्स में जरा देख लू क्या कर रहे हो चलिए बहुत अच्छा तो सही जानकारी इसमें होगा स्वेंड की देखिए सवाल को समझने की कोशिश करना हाँ कि बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त राष्ट्र एक्स खान दिवस में कौन सा देश भाग ले रहा है यही सवाल है आपसे तो इसकी सही जानकारी होगा कि इसमें ऑल ऑफ द एबो हाँ सभी देश इसमें भाग ले रहे हैं एंड डी राइट आंसर और इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है ये नोट कर लेना इसका आयोजन जो हो रहा है इसका आयोजन जो है ये 19 जून 2023 को मंगोलिया में इसकी शुरुआत हो रही है और यह एक मल्टी नेशनल इवेंट uh, है तो इसमें uh, अभ्यास में मंगोलियाई सशस्त्र बल और यूनाइटेड स्टेट आर्मी पैसिफिक कमांड द्वारा यह सह प्रायोजित है मतलब दोनों मिलकर के इसका आयोजन कर रहे हैं और कई सारे देश इंक्लूडिंग इंडिया एंड ऑल सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसकी जानकारी रखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अगला सवाल है नेक्स्ट uh, क्वेश्चन uh, थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है इवन आप सब इसके अपडेट्स को देख चुके होंगे और इस प्रश्न को देखोगे कि जून 2023 में देश की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ का प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी जिसे रॉ कहते हैं शॉर्ट में में इट वाज 1965 1965 तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी 1965 में तो इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जा रहा है और इस यहां पे आप इन्हें देख सकते हो स्क्रीन पे अगर पहचान सके तो अच्छी बात है हा ग्रेट सही जानकारी क्या होगा इसमें रवि सिन्हा ऑप्शन नंबर सी इज ऑब्सलूटली करेक्ट साथियों रवि सिन्हा को इसका हेड बनाया गया है और इनके बारे में जो जानकारी रहेगी उसे आप इस प्रकार से समझें कि रवि सिन्हा जो है मूल रूप से बिहार से हैं अभी छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारी हैं और छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस हैं और इन्हें इसका हेड बनाया गया है इनका जो संबंध है भोजपुर में स्टूडेंट कोइलवर एक जगह है ना कोइलवर वहां पे इनका प्रॉपर गांव है और वहीं से बिलोंग करते हैं आरा जो भोजपुर का मुख्यालय है वहां पे इनका आवास भी है तो तमाम चीजें उसे आप नोट कर लेंगे और बिल्कुल चलिए तो इसकी जानकारी आप रखोगे और यहाँ पे पूरी जानकारी है कि वो सामंत गोयल का स्थान ग्रहण करेंगे सामंत गोयल जिनका तीस जून को कार्यकाल है और वो चार साल का कार्यकाल जो अपना पूरा करेंगे छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं रवि सिन्हा और इनको हेड बनाया जा रहा है इसका इनका जो है ये हाँ पूरी इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में जो छपा था इसको हम लोगों ने टेलीग्राम पे भी मैंने डाला हुआ है आप सबने कल हो सकता है इसे पढ़ा होगा टेलीग्राम पे डाला था ना आपने देखा तो टेलीग्राम पे न्यूज़पेपर की कटिंग भी डली थी आप सब वहां से इसे पढ़ सकते थे आगे बढ़िए फिर से सवाल आपके सामने होगा जून दो में संघीय न्यायाधीश के रूप में सेवा करने वाली पहली मुस्लिम महिला के रूप में किसी की पुष्टि की गई है प्रश्न को रिपीट करूंगा संघीय न्यायाधीश फर्स्ट मुस्लिम टू सर्व एज ए फेडरल जज और फेडरल जज के तौर पे किसने अपनी सेवा को देना है इसकी पुष्टि तो इस की गई है अमेरिका के, के द्वारा अमेरिका में कोई भी नियुक्ति अगर होता है राष्ट्र स्तर पे तो उसको जो वहां की सीनेट है अपर हाउस जो पार्लियामेंट की है वो अप्रूव करती तब नियुक्ति होता है तो नियुक्ति किया गया नुसरत जहां चौधरी का ऑप्शन नंबर ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे नुसरत जहां चौधरी जो है मुस्लिम विमेन पहली मुस्लिम महिला बनी है जिन्हें संघीय न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया है और इनके बारे में पूरी जानकारी है कि वर्षीय नुसरत जहां है और इनको आजीवन पद पर सेवा देने के लिए पहली बांग्लादेशी अमेरिकी के तौर पे भी देखा जा रहा है तो इनका संबंध मूल रूप से अगर देखा जाए स्टूडेंट तो ये बांग्लादेश से हैं और बांग्लादेश इंडियन अमेरिकन बोलते हैं उसी तरह से और इन्हें अमेरिका के सीनेट ने जून दो में संघीय न्यायाधीश के रूप में सेवा देने की मान्यता दे दी है इसकी पुष्टि करी है तो इस प्रश्न का सही जानकारी हो जाएगा नुसरत जहां चौधरी ये इज करेक्ट आंसर आगे बढ़ेंगे फिर से हमारे सामने सवाल होगा और इस प्रश्न को अच्छे से पढ़े बनाने की कोशिश करेंगे चलिए बहुत अच्छा चलिए इस प्रश्न को भी देखेंगे नेक्स्ट है किस देश ने साइलेंट बारकर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट में इकतालीस उपग्रहों को प्रक्षेपित कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना लिया है <laughs> संबंधित देश का नाम क्या है यह सब कारनामा एक ही देश कर सकता है आमतौर पर साइलेंट बारकर एक प्रोजेक्ट उसके तहत उसने एक ही रॉकेट में इकतालीस उपग्रहों को लॉन्च कर दिया है यह कार्य किसके द्वारा किया गया है तो स्टूडेंट कार्य कर लिया है छोटी आंख बड़े ख्वाब चाइना के द्वारा और चाइना इन सब चीजों में बड़ा माहिर है हा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर और यह सबसे अधिक उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने का एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बन गया है ठीक है और बिल्कुल इसको कहां से लॉन्च किया गया स्टूडेंट तो सांसी प्रांत में ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर जो है उसके द्वारा लॉन्च किया गया उपग्रह मुख्य रूप से वाणिज्यिक सुदूर संवेदन के लिए है प्राइमरली प्रोवाइड रिमोट सेंसिंग सर्विसेज तो तो उसके से लॉन्च किया गया है पूरी तो जानकारी रखोगे कि चाइना ने एक राष्ट्रीय कि पराजित करके हराकर एस डी एटीडब्ल्यू एस एफ स्क्वेस विश्व कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है संबंधित देश का नाम क्या है इजिप्त ऑस्ट्रेलिया म्यांमार या फिर ईरान एस टी ए टी डब्ल्यू एस एफ या उतना छोड़ दो सीधा सीधा याद रखें स्क्वेस वर्ल्ड कप को किसने अपने नाम कर लिया है इजिप्ट ने ऑस्ट्रेलिया ने म्यांमार या ईरान ने तो सही जानकारी हो जाएगा इजिप्ट मिस्र के द्वारा इसे जीता गया है और पूरी पूरी जानकारी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यह आयोजन जो था स्टूडेंट इसके बारे में कि शीर्ष रैंकिंग वाली टीम मिस्र ने फाइनल में मलेशिया को हरा दिया है और इस टूर्नामेंट को जीत लिया है तो इसे पूरा देखेंगे कि यह दूसरा वर्य भारतीय सेमीफाइनल में मलेशिया के खिलाफ शिकस्त के बाद जापान के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा हमारा इंडिया का जो टीम है स्क्वेस में वो थर्ड रैंक पे रहा है जापान के साथ भाई हम लोग चैंपियन बनने से बच गए और सेमीफाइनल में हम लोग मलेशिया से पराजित हो गए है ना और चैंपियन कौन रहा है भाई तो चैंपियन इसमें रहा है मिस्र और मिस्र ने मलेशिया को फाइनल मुकाबले में हरा दिया है आगे बढ़िए फिर से सवाल आपके सामने होगा विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है शरणार्थी किसे कहते हैं जो बाहरी क्षेत्रों से हमारे तरफ प्रवेश करते हैं आपको जान करके आश्चर्य होगा कि दुनिया में शरणार्थियों की जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा समय समय पर जो है इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है इस संदर्भ में कई सारे रिपोर्ट जारी किए जाते हैं हाल ही में आपने रोहंग्या के बारे में सुना होगा स्टूडेंट तो रोहंग्या का बड़ा मुद्दा हुआ था हाँ जो विस्थापित हुए थे म्यांमार के क्षेत्र से देन आपसे उसी तरह के सवाल है कि कब मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस तो ट्वेंटी तो जून, जून मनाया जाता है यह दिवस और इसके बारे में थोड़ा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी इसकी एस चर्चाएं भी है जैसे इसमें सबसे पहला जो है वो ये है कि पहली बार शरणार्थियों के लिए यह सम्मेलन कब मनाया गया था तो संयुक्त राष्ट्र ने 1967 में प्रोटोकॉल और 1957 में शरणार्थी सम्मेलन जैसे विभिन्न विकल्पों का के तहत शरणार्थियों को सुरक्षा प्रदान किए जाने पर चर्चा करी थी और वर्ष दो में शरणार्थी दिवस मनाये जाने के विचार जो है वो सबसे पहले सामने आए थे और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है हर इस वर्ष भी मनाया गया है है ना और दुनिया भर में इतने सारे डिस्प्यूट हैं देशों का बंटवारा एंड ऑल इस तरह से तो दुनिया भर में तमाम आपको देखेगा कि बड़ी संख्या लोगों की जो विस्थापित होते एक स्थान से दूसरे स्थान की नहीं, कोई नहीं अगला सवाल होगा हमारे सामने अगला प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस शहर में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का उद्घाटन किया है भारत में अब तक का यह सबसे बड़ा सम्मेलन है और इस सम्मेलन में भारत के पूरे जितने भी राज्य या यूटीज हैं सभी राज्य और यूटीज के विधायक लोग एक मंच पे एक साथ आए थे एक ही हॉल में आए थे तो उसी संदर्भ में आपसे सवाल है आप में से जितने भी बच्चे अभी क्लास में है मैं रुक रहा हूं एक बार पहले आप लोग लाइक कर लो हाँ एक बार सेशन को जल्दी से लाइक कर लेना क्योंकि आप हमारा गलत फायदा उठा ले तो मैं बोलता नहीं हूं और आप लाइक भी नहीं करना जरूरी समझते हैं जल्दी से पहले लाइक करो सेशन को एक बार YouTube पे आपके लाइक का बड़ा महत्व है एलगोरिजम काम करते हैं आपके एक एक लाइक के ऊपर वीडियो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे प्लीज एक बार जल्दी से लाइक कर लो मैं पढ़ाने दो हाँ तो, तो बार बार मैं यही बोलते रहूंगा फ्रेंड पूरे भारत के जितने भी विधायक हैं उन सबका एक ही मंच पे आना भी हुआ है और राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ उद्घाटन किया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब ने तो इसका आयोजन हुआ है फ्रेंड मुंबई के अंदर और तमाम जो विधायक है वो यहाँ पे शामिल हुए हैं हम लोग के क्षेत्र के भी विधायक गए थे भाई हमारे विधायक ने फेसबुक पे फोटो भी लगाया था <laughs> तो एपीजे अब्दुल कलाम एक्सपो पवेलियन का भी उद्घाटन हुआ इसमें और भारत की स्वतंत्रता के पचहत्तरवें वर्ष के जश्न थीम लोकतंत्र की भावना का जश्न मनाया गया है यह सम्मेलन चर्चा में शामिल होने और विधायक संस्थाओं के बारे में चर्चा के लिए इसमें बातें करी गई है तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है भाई एन भारत राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन इसका आयोजन हुआ है मुंबई के अंदर जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल फिर से हमारे सामने होगा और प्रश्न आपके सामने आ, सवाल है जी ट्वेंटी के तहत विज्ञान ट्वेंटी का दो दिवसीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है जी ट्वेंटी के तहत विज्ञान ट्वेंटी जी ट्वेंटी के तहत विज्ञान ट्वेंटी द टू डे कॉन्फ्रेंस ऑफ साइंस ट्वेंटी जी ट्वेंटी ऑर्गेनाइज ऑफ सिटी कहां पर इसका आयोजन हुआ है एटी हुआ है 100 पार कर दो कम से कम सभी लोग लाइक कर दो 130 बच्चे हो 130 लाइक तो एटलीस्ट हो ही जाना चाहिए एक बार लाइक कर लेना जल्दी से हाँ तो सही जानकारी हो जाएगा कि यह सम्मेलन हुआ है भोपाल के अंदर और जैसे ही आपने देखा होगा शिवराज सिंह चौहान जी को स्क्रीन पे तो आपने सेंस कर ही लिया होगा कि भाई ऐसा आयोजन तो संबंधित राज्य में ही होगा हाँ चलिए तो ये पूरा पूरा मामला यहाँ पे देख लेंगे जी भोपाल मध्य प्रदेश में सम्मेलन का थीम क्या है विषय क्या इसमें तो विषय है विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना सम्मेलन की अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी के अध्यक्ष जो है प्रोफेसर आशुतोष शर्मा के द्वारा किया गया है आमतौर पर ऐसे सवालों में आपसे पूछा जाएगा कि सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था किसी मंत्री का नाम दे दिया जाएगा तो आप वहां पर गलती से भी नहीं फंसना है उसमें किसी मंत्री ने इसका इनोग्रेशन नहीं किया बल्कि इसका इनोग्रेशन किसने किया भाई तो इसका इनोग्रेशन किया गया है इसका इनोग्रेशन किया गया है प्रोफेसर साहब के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी जो है उसके द्वारा इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने इसमें जी ट्वेंटी के सदस्य देश और जो अलग अलग संस्थान है सदस्य, वो सभी लोग इसमें भाग ले रहे हैं फिर से हमारे सामने सवाल है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने देश में ऑनलाइन साइबर सुरक्षा पर नागरिक जागरूकता जी ट्वेंटी स्टेट सेफ ऑनलाइन अभियान चलाने के लिए किस कंपनी के साथ हाथ मिला लिया है किसके साथ इसने टाइप किया है प्रश्न को अच्छे से समझना हां सवाल है कि भारत सरकार का जो मंत्रालय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री उसने ऑनलाइन साइबर सुरक्षा के लिए जी ट्वेंटी स्टेट सेफ ऑनलाइन अभियान चलाया है इसके लिए किसके साथ समझौते किए गए हैं किसके साथ यह समझौता किया गया है ले बहुत बेहतर रेस्टोरेंट इसके लिए समझौता किया गया है गूगल के साथ हां और ये पूरा मामला है अभियान का नाम है स्टे सेफ ऑनलाइन साइबर सिक्योरिटी के लिए इसमें G20 के तमाम जो सदस्य देश हैं वो सब भाग लेंगे और ऑनलाइन साइबर क्राइम जैसे मुद्दों जो है उससे निपटने की बातें होंगी जब भी हम लोग बोलते हैं गूगल है, है ना तो हमें ये जहन में रखना है कि गूगल क्या है भाई तो अस... स्पष्ट जानकारी रखोगे सर कि गूगल एक सर्च इंजन है और दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन का नाम है गूगल और फिर से हमें में ये रखना है कि जब भी गूगल की बात करते हैं तो हमें सत्या नडेला का याद आता है ना सत्या नडेला जो इसके हेड है और इसके अध्यक्ष है दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन और बिल्कुल ग्रेट आगे बढ़िए अगला प्रश्न फिर से है अभी दस सवाल केवल हम लोगों ने कंप्लीट किया है क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है डायनासोर की प्रजाति खोजा गया है आप स्क्रीन पे से देख भी पा रहे हैं क्या स्क्रीन पे आप इसे देख पा रहे हो देखो ये वाला हालांकि मिट्टी के साथ है मिला हुआ तो आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ निशाद नहीं दिख रहा होगा इस देश में दक्षिणी गोलार्ध में सदर्न कैपिटल की की तो सिटी है और इधर पूरा इंफॉर्मेशन आपके बारे में इसके बारे में आप यहां नोट कर सकते हो सेंटियागो कैपिटल है चिल्ली पैसो करेंसी है और इसका लैंग्वेज है स्पेनिश और इसके बारे में कि इसकी लंबाई जो है डायनासोर को फीट है एक टन इस, इसका वजन है और सेवन पॉइंट टू करोड़ साल पहले जो है वो यहाँ पे चिल्ली के पेटेगोर्निया में रहता था कितने करोड़ करोड़ साल पहले देख रहे हो तो बहुत ही पुरानी प्रजाति है और उसकी अवशेष की खोज यहाँ पे की गई है आगे बढ़ो निम्नलिखित में से कौन सा देश इसराइल के खिलाफ पक्षपात के आरोपों के कारण चार साल बाद दो में यूनेस्को में शामिल होगा चार साल से वंचित था वो और वापस से यूनेस्को में शामिल होगा आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि उस संबंधित देश का नाम क्या है तो संबंधित देश का नाम है यूएसए। यूएसए ऑप्शन नंबर डी इज राइट एंड यूएस वांट्स टू रिज्वाइन दी यूनेस्को आफ्टर इयर्स ऑफ़ डिस्प्यूट ओवर इजराइल एंड फेलिस्तीन तो यूएस जो है वो यूनेस्को रिज्वाइन करेगा वापस से ज्वाइन करेगा आपने पढ़ा होगा कि यूनेस्को से बाहर हो गया था ये यूएसए तो वापस से फिर से इसको ज्वाइन करेगा कर रहा है तो ये बड़ा सा न्यूज हो जाएगा हम सबके लिए और 2011 में अमेरिकी यूनेस्को की करोड़ों डॉलर की फंडिंग बंद कर दी थी और पुलिस 2012 में गैर सदस्य प्रवेशक राज्य के रूप में शामिल हुआ था अमेरिका 2023 हजार तेईस में वापस से फिर से ज्वाइन करेगा यूनेस्को और जब भी हम लोग बात करेंगे यूनेस्को तो स्पष्ट तौर पर जानकारी आपको रखना है कि यूनेस्को फंड इसकी स्थापना 1945 में हुई है पेरिस फ्रांस मुख्यालय है अल्ट्रा अजोले जो फ्रांस के उसके हेड है और यूनेस्को बोले तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है तो पूरी जानकारी इसके बारे में है और यूएसए इसके इसे रीजन कर रहा है इससे बाहर हो गया था यूएसए वापस इसे ज्वाइन करेगा चार साल पहले इसराइल के मुद्दों पर बाहर हुआ था हाँ अगला सवाल होगा आपके सामने अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने में गैर बैंकिंग बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को NBFC, को नॉन फाइनेंशियल उस प्रावधानों का का पालन ना करने के लिए किस कंपनी पर 20 लाख रुपए मौद्रिक जुर्माना लगा दिया है। होता है कि आपको बैंकिंग नियमों का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी तो बताना कि संबंधित बैंक कम्प, का नाम क्या है बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बताएंगे और सही जानकारी हो जाएगा इसमें सही जानकारी है मनपुरम फाइनेंस मनपुरम फाइनेंस कंपनी जो है उस पर बीस लाख का पेनल्टी लगाया गया है और पेनल्टी किसके तहत लगाए भाई तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम नाइनटीन थर्टी फोर सेक्शन फिफ्टी एट बी के तहत लगा है और चलिए 90 डेज नब्बे दिनों में से अधिक जो है अतिथि वाले कुछ सर... लोन वगैरह का मामला था उससे जुड़े हुए अगला प्रश्न है कि आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एन एस विश्वनाथन को किस बैंक का अंशकालिक गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है ये डिप्यूटी गवर्नर रह चुके आरबीआई के और इनको पार्ट टाइम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप, रूप में अपॉइंट किया गया है एक्सिस बैंक में एंड ऑप्शन नंबर बीज राइट एक्सिस बैंक भारत की एक निजी और सबसे महत्वपूर्ण बैंकों में से एक एक्सिस बैंक का हेड बनाया गया जो कि 1993 में हुआ है मुंबई हेडक्वार्टर है और राकेश माखीजा इसके चेयरमैन है अमिताभ चौधरी इसके एमडीसी और बढ़ती का नाम जिंदगी इसका है हा? तो पूरा पूरा जानकारी आपको यहाँ पे रखना है तीन वर्षों का इनका कार्यकाल होगा उसमें आगे बढ़िए नेक्स्ट है इक्विटॉस अ स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीओ के तौर पे फिर से किसे नियुक्त किया गया है री अपॉइंटमेंट हुई है और उनका नाम क्या है चलिए बहुत बेहतर और सही जानकारी हो जाएगा सुन यहां पे कि आ, इनका नियुक्ति हुआ है पीएन वासुदेवन को हाँ रीअपॉइंट किया गया है फिर से ज्वाइन किया है और इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसकी स्थापना में में हुआ था, है, है है। और इस फन बैंकिंग है, इसका देखिए के बारे आमतौर पर जो सवाल होता है ना वो हेडक्वार्टर से जुड़ा हुआ सवाल होता है से हा? और चूंकि फाइनेंस बैंक है तो स्मॉल फाइनेंस बैंक चूंकि अभी नया बैंकिंग का एक कॉन्सेप्ट आया है स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या फिर पेमेंट बैंक का तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चन हर वर्ष एग्जाम के अंदर कुछ ना कुछ पूछे पुछ ही जाएंगे आपसे तो अच्छे से देखने की कोशिश करना नेक्स्ट होगा कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में प्रेडेटर ड्रोन हासिल करने के लिए सौदे को मंजूरी दे दिया है एक डील फाइनल कर लिया है और आप, आप स्क्रीन देख ही सकते हो तो लिखा हुआ हंटर किलर है एम नाइन रिपर ड्रोन तो इस ड्रोन की खरीदारी के लिए भारत का रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौते कर लिए हैं स्क्रीन पे साइड में वो आपको दिख रहा होगा तो आप कर लोगे यूएसए के साथ भारत ने समझौते किए हैं और जो ड्रोन की खरीदारी होगी उसकी ऊंचाई लगभग ट्वेल्व पॉइंट सिक्स फीट है लंबाई इलेवन फीट है वजन बाईस सौ तेईस किलोग्राम है काफी वजनी है रफ्तार इसका चार सौ अस्सी किलोमीटर प्रति घंटा है उड़ान भरने की ऊंचाई पचास फीट तक उड़ान भर सकता है बिना रुके घंटे जब उड़ान भर सकता है सैतीस किलो वजन उठाने की क्षमता तो ने किसके साथ डील किया, किया है भारत ने चलिए तो ये नया वेरिएंट है और जितना यहां पे लिखा ये यही सारी बातें लिखी हुई है जो यहां पे लिखा है उसी को वापस से रिपीट किया गया है अलग से कुछ नहीं अच्छे से देखने की कोशिश करें बस अगला प्रश्न है ऑस्टेस्टिक फ्राइडे हर वर्ष कब मनाया जाता है ऑस्टेस्टिक फ्राइडे एवरी और प्रत्येक वर्ष कब ऑब्जर्व किया जाता है कब मनाया जाता है आप में से जितने लोग अभी सेशन में ज्वाइन किए हुए हो एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर देना और मैं लाइक करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं सीधे-सीधे आपको क्योंकि मुझे हमेशा से लगता है कि क्लास के दौरान हम लोगों को पढ़ने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए बाकी बकवास पे कम तो आप लोग लाइक कर लो जल्दी से हाँ और सही उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट ऑफ जून 18 जून को आर्टिस्टिक फ्राइडे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है और इसका उद्देश्य है कि आत्म केंद्रित जागरूकता को बढ़ाना उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और पहली बार ये दिवसेंट दो हजार में मनाया गया था एस फॉर फ्रीडम द्वारा और दुनिया भर में ऑटिज्म के पीड़ित लोगों के प्रति जो है वो जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से इसका किया जाता है

अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक डे कब ऑब्जर्व किया जाता है बहुत अच्छा और लगभग सबने इसमें सही जानकारी रखी है और अठारह जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है और पिकनिक शब्द जो है फ्रेंड पिकनिक द वर्ड पिकनिक ये फ्रांसीसी शब्द पिक और निक से बना है और और पाई जाती है और इसकी लोकप्रियता जो है वो फ्रांस की क्रांति के बाद बढ़ा है और 19वीं सदी में इंग्लैंड में इतमिन से मिलने वाली जो सामाजिक घटनाओं में बदलाव है उसके संदर्भ में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो पिकनिक बहुत ही पुराना एक दिवस है इसकी शुरुआत मान लो कि सत्रह निवासी जो फ्रांस की क्रांति उसके बाद ही चर्चा में ज्यादा रहा था सेवनटीन एटी नाइन उसके बाद से यह दिवस मनाया जा रहा है तो पिकनिक दिवस मनाया जाता है और पिकनिक दिवस के दिन जरूर से जरूर पिकनिक मनाना चाहिए हाँ तो क्लास में फिर कुछ आंसर राइटिंग कर रहे हो क्या क्लास में कोई भी फालतू कमेंट शायद कर रहे हो कमेंट जितना कम करोगे आप उतना ही सुरक्षित रहोगे है ना बिल्कुल आगे सवाल है कि विश्व सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन ऑफ द फॉलोइंग डेट तो दिवर्ष उन्नीस जून को यह दिवस मनाया जाता है और विस्तृत जानकारी यहां पे है कि 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सार्वजनिक रूप से इसकी पहचान करने की घोषणा की थी उद्देश्य है व्यक्तियों और उनके परिवारों को आमने सामने चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सिकल सेल होता क्या है, है ब्लड डिसऑर्डर है जो असामान्य रूप से आकार की आरबीसी कोशिकाओं की विशेषता है जो पूरे शरीर में रक्त और ऑक्सीजन के प्रभाव को बाधित करता है यह स्थिति आरबीसी कोशिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीन हिमोग्लोबिन के सामान्य कामकाज को प्रभावित कर देता है पुरा मामला समझ पा रहे हो स्टूडेंट बॉडी में अगर आरबीसी की जो मात्रा है रेड ब्लड सेल उसकी मात्रा अगर अनियमित हो जाती है तो आप सिकल सेल के शिकार होते हैं और हीमोग्लोबिन और आरबीसी में विकार उत्पन्न होता है हा? तो इसके जागरूकता के लिए 19 जून को दिवस मनाया जाता है और कब से प्रारंभ हुआ है भाई तो स्पष्ट रूप से नोट कर सकते हैं कि इसकी शुरुआत 2008 में इसकी घोषणा 2008 में किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे सामने है उन्नीस जून को वर्ल्ड साउंड साउंटरिंग डे अः मनाया गया है वर्ल्ड साउंटरिंग डे 2023 की थीम क्या है यह भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण तो सवाल है और लास्ट में तो सिर्फ डे ही हो जा रहा है कोई बात नहीं जल्दी से देखेंगे हाँ बहुत अच्छा और राइट आंसर इज इस ऑब्वियसली इसका थीम क्या है इसका थीम है आप इसका थीम स्पष्ट तौर पे यहां देख सकते हैं इसका थीम है रिडिस्कवरी द ज्वाय सिंप्लिसिटी इसका सादगी की खुशी को फिर से खोजे हाँ और वही चीज यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है और लोगों की जो इफिशियंसी है क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इंप्रूव करने के लिए और जीवन की गति को निर्धारित करने और उसके आनंद को बढ़ाने के लिए उसकी प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए फ्रेंड प्रति वर्ष दिवस जो है ये 19 जून को मनाया जाता है और उन्नीस में 1979 में मिशिगन के मैकेनिक द्वीप पर ग्रैंड होटल में अपने रोजगार इत्यादि के दौरान सेंटरिंग दिवस की स्थापना की गई थी और 1970 के दशक से यूएसए में जॉगिंग की सनक की बढ़ती लोकप्रियता के जवाब में राबे ने इस दिन की अवधारणा को पेश किया लोगों से धीमा करने और इसे आसान बनाने का आग्रह किया है तो सेंटरिंग दिवस कब मनाया जाता है इसमें यह दिवस प्रति यह दिवस मनाया जा रहा है 19 जून को और इस वर्ष भी मनाया गया है आगे क्वेश्चन फिर से हमारे सामने होंगे और अगला जो क्वेश्चन है बेसिकली क्वेश्चन नहीं है बल्कि बहुत ही शानदार है हा? आप सबको बिहार करें, बिहार करंट अफेयर्स के बारे में तो पता ही है बिहार करंट अफेयर्स अफेयर एक एक मंथ के कुछ अपडेट्स है जिसको हम लोग साथ में देखते चल रहे हैं तो बिल्कुल बने रहना और बिहार के कुछ तमाम महत्वपूर्ण न्यूज को भी हम लोग यहाँ से कवर कर लेंगे देखिए सबसे पहला जो न्यूज है सबसे पहला अपडेट वो ये है कि अक्टूबर 2022 के तमाम न्यूज को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं अक्टूबर 2022 हजार और पहली जो खबर हमारे सामने वो ये है पहला जो न्यूज है कि इसे देखने का कोशिश करेंगे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 देश के इक्यानवे गंगा शहरों की सूची बनाई है और इस सूची में पटना तीसरे से नौवे स्थान पर पहुंच गया है ध्यान से समझोगे पटना जो था पहले थर्ड रैंक पे था अभी नौवे स्थान पर पहुंच गया है और एक इस मामले में शहरों की सूची बनी है कि गंगा नदी के किनारे जो शहर है उनमें से स्वच्छता के दृष्टिकोण से सबकी रैंकिंग की गई है तो हमारा पटना पीछे हो गया है अपडेट यही रहेगा कि भाई तो पटना का रैंक क्या तो नौवे स्थान पर चला गया नेक्स्ट है बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति दो की अवधि दो तक बढ़ा दिया गया है इसके तहत 2017 से दिसंबर 2022 तक यानी पिछले पांच वर्षों में चौवन करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है बिहार सरकार को और निवेश का प्रस्ताव का केवल 4.5 परसेंट है पूरा मामला समझ पा रहे हो पूरा मामला ये है कि बिहार सरकार की जो औद्योगिक नीति थी दो प्रपोजल थे हमारे पास निवेश, के उसमें के ही निवेश हो पाए हैं तो आप में यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है उसके बाद आगे जानकारी है पंकज त्रिपाठी से आप सब परिचित होंगे मैक्सिमम बच्चे मतलब तो मुझे व्यक्तिगत रूप से इनका जो आ, एक्टिंग है बहुत पसंद है लगता ही नहीं सिनेमा देख रहे हैं लगता है रियल लाइफ में इनको देख रहे हैं तो सर पंकज त्रिपाठी ने चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन के रूप में इन्हें चुना गया यानी कि बिहार में जो चुनाव हो रहा था तो उस समय या आगे किधर भी अगर चुनाव होता है तो ये लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए जागरूक करेंगे हाँ और पंकज त्रिपाठी बिहार में इनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है ये क्या नाम है उनका हम लोग छावे महोत्सव जहां पे होता है तो वो इनका होम डिस्ट्रिक्ट है उसके बाद है कि स्वच्छता अभियान के बेहतर संचालन के लिए बिहार को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया देखो ये और भी महत्वपूर्ण न्यूज है स्वच्छता स्वच्छता का जो जो स्वच्छता सर्वेक्षण हो रहा है उसमें बिहार ने जो प्रयास किए हैं उसमें बिहार को दूसरा पुरस्कार मिला है और कर्नाटक पहला रैंक पे रहा है स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने के क्रम में हाँ तो इसकी भी जानकारी रखेंगे आप आगे जानकारी होगा कि राज्य की राजधानी पटना की रहने वाली जसीता सिंह को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा महिला अंडर नाइनटीन टी ट्वेंटी चैलेंजर ट्रॉफी के लिए चुना गया है तो नाम क्या है इनका जसीता सिंह और किसके लिए चुना गया भाई तो अंडर टी ट्वेंटी जो अंडर ट्वेंटी नाइनटीन जो टीम है उसमें तो यह भी अच्छी न्यूज है इससे भी सवाल हो सकता है उसके बाद है रबी महाअभियान रबी फसल जो होता है सुन उसके लिए मुख्यमंत्री ने 19 अक्टूबर को इसकी शुरुआत करी है यह इंपॉर्टेंट न्यूज है जहानाबाद बिहार का पहला जिला है जहां पे 100 प्रतिशत डिजिटल बैंकिंग हो गया है लो भारत में 100 परसेंट डिजिटल बैंकिंग बिहार के अंदर जो है 100 परसेंट डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन सा हो गया भाई तो बिहार के अंदर ही जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट इसमें हंड्रेड परसेंट डिजिटल बैंकिंग के अंतर्गत हो गया नेक्स्ट फिर है हमारे सामने श्री कृष्णा सिंह बिहार के आ, सब आ, पहले मुख्यमंत्री और सबसे लंबे समय तक जब तक ये जीवित रहे मुख्यमंत्री ही रहे थे उनकी 21 अक्टूबर को मनाया गया जयंती और ये 135वीं जयंती थी उनकी श्री कृष्णा सिंह की तो ये भी सवाल अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, तो है। नेक्स्ट है, सिवान के मूल निवासी और झारखंड के रहने वाले प्रज्वल पांडे नाम इनका क्या भाई प्रज्वल पांडे जो है इनको ऋषि सुनक के कोर कैंपेन ग्रुप में शामिल किया गया है ऋषि सुनक जो बाद में वहां पे प्राइम मिनिस्टर भी बन गए तो उनका जो कैंपेन ग्रुप था उनकी जो कोर टीम थी उसमें इनको शामिल किया गया है प्रज्वल पांडे को इनका संबंध झारखंड और बिहार दोनों से है इस न्यूज को भी आप इसकी भी जानकारी रखोगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे बिहार के और भी खबरें हैं जैसे जैसे दूसरा खबर है कि दूसरी राष्ट्रीय पिक्कल बॉल चैंपियनशिप जो हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित की गई थी बिहार ने कुल छह पदक इसमें जीत लिए हैं राष्ट्रीय पिक्कल बॉल चैंपियनशिप में बिहार ने कितना पदक जीता भाई तो यहां पे जानकारी रखोगे कि बिहार ने इसमें टोटल छ पदक अपने नाम कर लिए हैं आगे जानकारी है इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट पटना दूसरे नंबर पे है यह भी हमारे सामने अपडेट है पटना सेकंड रैंक पे इसमें आ गया है आगे है कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित दूसरी ओपन अंडर ट्वेंटी थ्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक प्रतियोगिता में बिहार की अंजनी कुमारी ने रजत पदक जीता है एक सामान्य सवाल हो सकता है कि अंजनी कुमारी का संबंध किससे है तो जैवलिन थ्रो से फेंक से है उसके बाद है राज्य में सामाजिक न्याय और समाज कल्याण विभाग विधवा में विधवाओं के सामने आ रहे आर्थिक संकट को दूर करने के उद्देश्य से 30 अक्टूबर को एक नई योजना लॉन्च की गई जिसका नाम है लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा योजना तो बच्चे इसको रिपीट कर सकते हो लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा योजना किसके लिए शुरू किया गया है विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए जो विडो है उसके बाद है देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में स्थापित किया जाएगा ये भी सरकार ने घोषणा किया है तो ये थे बिहार में अक्टूबर 2022 के जो अपडेट्स हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा और अब वापस से हम लोग अपने सेशन के सबसे आखिरी सेगमेंट में होंगे स्टूडेंट तो ये तमाम तरह के न्यूज हम लोगों ने कवर कर लिया पी डी आपको टेलीग्राम पर डालूंगा तो वहां से आपको मिल जाएगा सर इंग्लिश में भी स्लाइड डालिए इंग्लिश में भी मैं इस पर सेशन ही लेकर के आ रहा हूँ चिंता नहीं करूँ हाँ एक पूरा पूरा इसमें एक सेशन लेकर के आऊंगा जहां पे? अब बिल्कुल चले तो आगे बढ़ेंगे अपने सेशन में और चलिए तो ये तमाम अपडेट्स आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा हाँ आप लोग उसे कॉलेक्ट कर लेना नोट कर लेना अच्छे से फर्स्ट फ्रेंड इकोनॉमिक्स में एक नया बैच में लेकर के आ रहा हूं आप सब इकोनॉमिक्स को लेकर के बहुत डरे रहते हो आमतौर पर हाँ तो इकोनॉमिक्स की जो नई क्लास है कब से आ रही है आप सब लोग नोट कर लेना कि इकोनॉमिक्स में हमारा नया जो कोर्स है ये ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जून से आ रहा है ठीक है टाइमिंग इसका दोपहर दो, दो बजे है और ये फाउंडेशन कोर्स है इकोनॉमिक्स का आमतौर पर फाउंडेशन कोर्स जल्दी जल्दी नहीं आता है तो काफी लंबे अंतराल के बाद आ रहा है और अगर इंडियन इकोनॉमी को लेकर के अगर आपके पास कोई भी डाउट होगा तो इस कोर्स के बाद सब क्लियर हो जाएगा एक सिंगल डाउट आपके नहीं रहेंगे मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इकोनॉमिक्स आपका सबसे फेवरेट विषय हो जाएगा क्या बोल रहा हूं मैं रिपीट करूंगा इकोनॉमिक्स आपका सबसे पसंदीदा विषयों में से शामिल हो जाएगा तो बस आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि इस कोर्स में आप सभी बच्चे जो प्लस पे हैं इनरोल कर लेना अगर प्लस पे नहीं हो तो उन्तीस जून से पहले प्रयास करिए जुड़ने का और बिल्कुल ए बी सी डी टाइप से पढ़ाऊंगा एकदम बेसिक साठ से, से अधिक होंगे और हर क्लास बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होगा सब कुछ बेसिक्स पढ़ोगे सारे मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन टैक्सेशन जितना कंसेप्ट है व्यापार व्यपार सब हाँ तो बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट और पूरी अच्छी जानकारी इकोनॉमिक्स की आपको इकोनॉमिक से मिल पाएगा प्रयास करना जरूर से जरूर प्लस के स्पोर्ट्स पर जुड़ना इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि फाउंडेशन कोर्स है फाउंडेशन मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है तो एक ही कोर्स यहाँ पे आप पीटी मेंस दोनों की तैयारी कर लोगे और मेंस में आपको पता है कि जनरल स्टडी के पेपर टू में सेक्शन टू के अंतर्गत जो है ये पूरा पूरा इकोनॉमिक्स ही होता है तो आप सभी लोग प्रयास करिएगा इस कोर्स में जरूर से जरूर जुड़ना और अन अकेडमी पे जो नए अपडेट्स हैं हा मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ अन अकेडमी के न्यू अपडेट्स देखो यही है अन अकेडमी पे अभी चल रहा है आप सबके लिए एक बहुत ही शानदार ऑफर जहां पे 12 महीने के कोर्स पे 6 महीने का कोर्स आपके लिए ऑफ्सोलूटली फ्री है और अगर आप लोग दो साल का भी कोर्स लेते हैं तो उसमें भी आपको 6 मंथ फ्री मिलेंगे अन अकेडमी पे बैचेज की कोई कमी नहीं है इन सभी बैचेज को आप लोग अनएकेडमी प्लस पे एक्सेस कर सकते हैं तो जल्दी से जुड़िए सभी लोग अन एकेडमी पे और इन सभी क्लासेज को आप यहाँ से एक्सेस करिए अनकेडमी का मतलब हुआ यूनिवर्स और यूनिवर्स में आपको कोई कमी नहीं मिलेगा सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है ठीक है तो चलिए तो आज के सेशन को इधर ही समाप्त करेंगे और बारी है दो पैसे की शायरी की तो भाई दो पैसे की शायरी में हम लोग जो आज का एक छोटा सा मोटिवेशन देखेंगे वो है कि हिम्मत मत खोना हिम्मत खो, मत खोना अभी बहुत आगे जाना है हिम्मत मत खोना अभी बहुत आगे जाना है जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं जिन्होंने कहा था कि यह तेरे बस का नहीं उन्हें भी करके दिखाना है हिम्मत मत खोना अभी बहुत आगे जाना है जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का नहीं उन्हें करके भी दिखाना है तो अगर आप कभी थक जाओ या कभी लगे कि अब छोड़ देते हैं है ना पढ़ाई लिखाई एंड अब हार मान लेते हैं यकीन मानो कि आपके शुभ चिंतक जो हैं आपके माता पिता आपके सगा संबंधी जो आपके शुभ चिंतक है जो चाहते कि जीवन में आप अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचे उनके लिए तो मेहनत करनी है इवन खुद के लिए भी मेहनत करनी पहली प्रायोरिटी तो खुद को रखू लेकिन कभी अगर ये सब भी अगर प्रायोरिटी पे नहीं रहे ये सब भी अगर आपको मोटिवेट नहीं करे तो आप उनके लिए पढ़िए जो आपको 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 उकसाते हैं जिन्होंने ये कह करके आपको जीवन में पीछे धकेल दिया कि भाई आपसे तो नहीं हो पाएगा एटलीस्ट हाँ तो प्रयास करिए कि उनके लिए थोड़ा सा एफर्ट्स लगा दीजिए हाँ और हाँ वजह कोई भी हो आउटकम आपकी सफलता होनी चाहिए वजह कोई भी हो आउटकम आपके जीवन की ऊंचाई होनी चाहिए बिल्कुल तो हाँ तो अब आप लोग इस सेशन से विदा लो और न्यूज पेपर जम के पढ़िए इस क्लास के साथ साथ अब मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्लास कंप्लीट हो जाता है न्यूज पेपर उठाओ थोड़ा सा न्यूज पेपर पढ़ो आपको बहुत मजा आएगा और क्या लिख रहे हैं सर आज पुलिस भी बहुत कमेंट की है ये तो तुम तो लोग बहुत बदमाशी लेकिन कर रहे हो क्लास में इतनी पिटाई होगी किसी दिन अच्छा तुम तो लोग बच क्यों जाते हो पता है ना क्योंकि ऑनलाइन क्लास में हो ऑफलाइन क्लास में जो बच्चे होते हैं उनसे जरा पूछना कि मेरी हॉप क्या है <laughs> बहुत किडनियां टूटती हैं क्लास में फाइट लगेंगे पूरे पूरे तो प्रयास करो ज्यादा से ज्यादा भी और आ, मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग इत्यादि जो कर रहे हो बिल्कुल उस पर फोकस करना चाहिए बारिश वारिश भी किधर किधर हो रहा है बहुत ही अच्छी बात है चलिए थैंक्स थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज टू बिंग सेशन क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद खूब ख्याल रखिए अपना मुस्कुराते रहिए हंसते रहिए हाँ बाय बाय कोई बच्चा लिख रहा है सर रिंग। ला ये ला। जो भी सेशन होता है बायलिंग्वल ही होता है भाई सुबह से शाम तक मैं एक लिंगुअल में पढ़ा ही नहीं सकता हूं मेरे से खुद नहीं होता है क्लासेस जो भी होंगे बायलिंग्वल होगा हाँ चिंता नहीं करना है अरे ये दूसरा रिंग है ये कोई सगाई वाली रिंग नहीं है पागल तुम लोग तो और ही बदमाश हो चलिए कोई नहीं डिस्टर्ब उब कुछ नहीं होता है आप, आप हमेशा देखो अभी एक बात थोड़ी है आप अगर कभी भी कोई अच्छा कार्य करने निकलोगे ना तो दस बीस लोग रहेंगे आपको जो डिस्टर्ब करेंगे असल में वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं आपकी वो परीक्षा लेते हैं कि तुम सच में डेडिकेटेड हो कि नहीं हो आप में कई बार देखे होंगे कि आप गूगल पे जाने की कोशिश करते हो भाई चलो गूगल पे सर्च कर लेते हैं कोई इन्फॉर्मेशन आपको अगर लेना होगा और जैसे गूगल पे आप सर्च करने जाते हैं तब तक तो व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे आपको अपडेट्स आ जाता है नोटिफिकेशन आता है तब तक तो उधर चले गए आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपको जाना था गूगल पे कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एक मिनट के लिए और एक घंटा से आप इंस्टाग्राम और फेसबुक व्हाट्सएप चला रहे हो या किसी से बात करने लग गए तो ये असल में आपका ये प्रतीत होता है दिखाता है कि आप कितने डेडिकेटेड हो अपने आप को लेकर के कोई कमेंट सेक्शन में चार कमेंट कोई कर देगा वो आपको डिस्टर्ब कर देगा अगर आप इतने मन चले हो तो मुझे नहीं लगता है कि फिर कोई पढ़ाई हो पाएगी ए, ऐसे काम नहीं होता है हजारों लोग कमेंट करें कमेंट सेक्शन में उससे भी आपको रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके डेडिकेशन का लेवल ये होना चाहिए बिल्कुल तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कॉमेंट कर कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट नहीं करे कोई जान दे देना अगर उससे हमें क्या फर्क पड़ता है भाई हम अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे चलिए तो फिलहाल इतना ही और थैंक्स थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस टू बिंग दिस सेशन हाँ क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद ये कहना बहुत आसान होता है सर कमेंट सेक्शन में मैसेज आता है डिस्टर्ब होते हैं ऐसे थोड़ी होता है कमेंट सेक्शन तुम ऑफ कर दो देखो ही मत कमेंट सेक्शन को चलिए अभी यहां पे जितने लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें पता चला सगाई हो गई शादी हो गई है ना ये सब जो कमेंट कर रहे हो यही सब तुम लोगों की प्रॉब्लम है इवन ऐसा कुछ भी अगर होगा तो आप सब कई बच्चे हैं जो मेरे सोशल साइट्स पे भी जुड़े हैं पर्सनली व्हाट्सअप सब सब पे जुड़े हो तो आपको पता ही चल जाएगा और आपकी रुचि इस बात में नहीं होनी चाहिए कि मैं पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा हूं आपकी रुचि इस बात में होनी चाहिए कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ और पढ़ क्या रहे हो कॉन्टेंट आप तक क्या पहुंच रहा है ये सब बिल्कुल बदमाशी तुम सबकी हाँ इस सब की बदमाशी है केवल आज कोई बच्चा लिख के आ गया था रिंकिया के पापा ये, ये सब तो अच्छा है हम तो ऐसे लोगों को भेजेंगे जान बुझ करके तुम लोग को डिस्टर्ब करने के लिए हम भेजेंगे दो चार लोगों और बोलेंगे कि भाई जाओ तुम लोग आईडी वीडी बना के ऐसे ही कुछ करो ये सब असल में आपकी परीक्षा लेते हैं कि आपका डेडिकेशन का लेवल क्या है आप पढ़ रहे हो और क्यों नहीं पढ़ रहे हो या क्या कर रहे हो चलिए कोई नहीं हाँ टेक केयर बाय मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ख्याल रखो अपना ख्याल रखो अपना दुनिया में डिस्टर्ब करने के लिए हजारों लाखों लोग हैं देखो अब चेहरा देख करके लोगों को लग रहा है चलो चलो ठीक है भाई तुम लोगों सब मिल गया है